सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी जांच को लेकर पार्टी द्वारा बुलाए गए देशव्यापी विरोध के मद्देनजर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, अजय माखन, सचिन पायलट, अशोक गहलोत को हिरासत में ले लिया गया है। जो जानकारी यहां पर अब तक सामने आ रही है उसके आधार पर आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है और यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित कई कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए जाने के बाद अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया। अशोक गहलोत ने कहा, देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोगों को धरना प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। सचिन पायलट को भी हिरासत में लिया गया। सचिन पायलट ने कहा, देश में एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, लोकतंत्र में विरोध करना हमारा अधिकार है लेकिन इसे भी कुचला जा रहा है। सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में बेंगलुरु में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी जब ईडी के दफ्तर पहुंची उस वक्त उनके साथ राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद थे। हालांकि राहुल गांधी माँ को ईडी के दफ्तर छोड़कर वापस वहां से निकल गए। प्रियंका गांधी वाड्रा ईडी दफ्तर में मां के साथ अभी भी मौजूद है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ये पूरी पूछताछ सोनिया गांधी से कर रही है, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।